नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 वर्सेस Samsung Galaxy M12 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 10 में 6.31 इंच जबकि Galaxy M12 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 10 में 2.93 इंच जबकि Galaxy M12 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 में 0.32 इंच जबकि Galaxy M12 में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 10 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10 में 178.8 ग्राम जबकि Galaxy M12 में 221 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 10 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 10 में AMOLED जबकि Galaxy M12 में TFT LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 10 में 6.43 इंचेस जबकि Galaxy M12 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi Note 10 में 1080x2400 और Galaxy M12 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 10 में 83.53% जबकि Galaxy M12 में 81.95% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 10 में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy M12 में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 10 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy M12 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 10 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy M12 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 10 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Galaxy M12 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 10 में Mali-G76MC4 जबकि Galaxy M12 में Mali-G52MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 10 में MediaTek Helio G95 और Galaxy M12 में Samsung Exynos 8 Octa 850 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 10 में 6GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy M12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi Note 10 में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy M12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 10 में अप टू 512GB जबकि Galaxy M12 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi Note 10 में 5000 mAh जबकि Galaxy M12 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Redmi Note 10 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Galaxy M12 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,292 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,390 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Xiaomi Redmi Note 10 में 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy M12 की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 10 आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 10 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 10 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है, जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 8 है, जो कि 13,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 Pro है, जो कि 17,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।